देवास में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी के साथ कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम परिसर का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि उनके वार्डों में काम नहीं किया जा रहा है। विधायक और महापौर को इतना छोटा नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक में, लोकतंत्र में सब जीतते हैं, पक्ष विपक्ष सब जीतते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रुचि लेकर किसी वार्ड में काम नहीं लगवाना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम ये याद कराने आए हैं कि जनता जनार्दन जिंदा है। आपके अगर थाना साहिब फैसले अगर आप करते रहेंगे तो हम विरोध करते रहेंगे। आरोप लगाया क्या, किस प्रकार से काम नहीं हो रहे वार्ड में? जो काम चालू थे नगर निगम चुनाव के पहले, उन कामों को कांग्रेस का पार्षद जीता तो वही कमाई रोक दिया। जो टेंडर हुए और ठेकेदार ने बीच रोड पे नाली खोद दी, नाली खोदने के बाद काम चालू करने का मटेरियल डाल दिया, फिर उसको भी काम को रुकवा दिया। निश्चित तौर पर इसमें बड़े राजनीतिक लोग संलिप्त है। उस वार्ड से उन लोगों को बड़ी तकलीफ है कि यह वार्ड कांग्रेस पार्टी कैसे जीत गई। वो वार्ड उनके पास में लगातार 30-40 वर्षों से था। वो जनता से खामियाजा भुगत रही है और जनता को सीधा सीधा वो दंड दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम में दम हो तो काम करा लो। क्या खुल के बताइए क्या है इसको आप? इसमें मैं आरोप लगाता हूँ, इसमें निश्चित तौर पर विधायक से लेकर महापौर से लेकर सभापति से लेकर कमिश्नर साहब सभी लिप्त हैं कि आप चालू काम को क्यों रुकवा रहे हो। ये तो अधिकार है जनता का भाई, आपको भी तो वोट मिले, वहाँ पे विधानसभा में वोट मिले, महापौर चुनाव में वोट मिले, लेकिन आप इस तरीके से अगर चिन्हित करके वार्डों में, ऐसे तो आठ ही वार्डों में आपने जिस तरीके से पार्षदों के साथ सलूक कर रहे हैं, कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, अरे सफाई कर्मचारी वहाँ से अलग अलग दूसरे वार्डों में भेज रहे हैं और सफाई कर्मचारी तक नहीं दे रहे हैं, तो ये तो आठ ही वार्डों में ये इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आगे क्या, आगे सीधा वचन है, पक्का वचन है महापौर जी, मेरी बात अगर आप तक पहुँचती हो तो 15 दिन में अगर यहाँ पर अगर ये सारे सही सुचारू रूप से ये 8 वार्डों में काम नहीं होते और विशेष रूप से 42 वार्ड की तकलीफ आप दूर नहीं करते हो, 15 दिन के बाद हम आपके घर आएंगे और भजन करेंगे और आपसे कहेंगे आप क्या भोजन करेंगे, और हमारी संख्या का अंदाज आप लगा लेना आज की संख्या से। अगर फिर भी आप काम नहीं करते हो तो उसके अगले 8 दिन बाद विधायक जी का घर घेरेंगे और सम्मानीय विधायक जी के यहाँ भजन करेंगे और उनके यहाँ भी बोलेंगे कि हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र में एक ये शांति के स्वरूप ये काम हमारे आंदोलन चलते रहेंगे और हम आपको जगाते रहेंगे, आप जब तक नहीं जागोगे। और साथ में पुलिस प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये आंदोलन जनता के हित के प्रति जो हम आंदोलन करते हैं और शहर में अगर किसी प्रकार की राजनीतिक गड़बड़ होती है, अगर शहर का माहौल खराब होता है, तो उसका जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन और कमिश्नर साहब रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा है कि यदि पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में महापौर, सभापति और विधायक के घर का घेराव भी किया जाएगा। देवास से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विजेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।